आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। तरफ यूपी चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी के दिग्गज लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, मतदाताओं को सरकार की नीतियों और कामों को बताकर बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज चुनाव में धार देने के लिए शाहजहांपुर दौरे पर जेपी नड्डा जाएंगे, जहां वो कई संगठनात्मक बैठकें करेंगे और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों से मिलेंगे और डोर टू डोर प्रचार करेंगे, प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगेंगे, संगठन के पदाधिकारियों को जीत का मंत्र भी देंगे और तैयारियों का फीडबैक भी लेंगे। तो शाहजहांपुर दौरे पर जाएंगे जेपी नड्डा, चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, आगे की रणनीति बनाएंगे और जितनी भी तैयारियां हुई हैं उसका जायजा लेते हुए भी नजर आएंगे जेपी नड्डा। जैसे जैसे समय बीत रहा है, चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ही सभी पार्टियों की तैयारियां अपने चरम पे पहुंच रही हैं। वही शाहजहांपुर के दौरे पर रहेंगे आज जेपी नड्डा, पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, जीत का मंत्र देते हुए नजर आएंगे और बहुत ही कम वक्त बचा है चुनाव में और ऐसे में बीजेपी की जो रणनीति है, जो तैयारियां हैं, वो लगातार बढ़ती जा रही है, तेज होती जा रही है। बड़े और दिग्गज नेता जमीनी स्तर पर उतरकर जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, डोर टू डोर संवाद कर रहे हैं और ऐसे में जीत का मंत्र देने के लिए कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे जेपी नड्डा। शाहजहांपुर दौरे पर रहेंगे आज, जहां जीत का मंत्र देंगे, जनसंवाद करते हुए भी नजर आ सकते हैं, जनता से डोर टू डोर जाके जनसंपर्क करेंगे, जनसंवाद करेंगे और साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए जीत का मंत्र देंगे नड्डा। बात करें शाहजहांपुर की तो शाहजहांपुर काफी अहम है बीजेपी के लिए, हालांकि यूपी ही काफी अहम है क्योंकि यूपी से ही होके दिल्ली का रास्ता जाता है और जो यूपी का चुनाव है काफी अहम है और यूपी के चुनाव के लिए हर एक जिला, हर एक विधानसभा काफी अहम है। अब बात करें बीजेपी की तो बीजेपी इस वक्त काफी मजबूत तो नजर आ रही है, लेकिन उसको टक्कर भी कांटे की मिल रही है। वो चाहे बात करें सपा की तो सपा कांटे की टक्कर दे रही है, लेकिन अन्य पार्टियां भी कमजोर नहीं है, अपने अपने स्थान पर सभी जबरदस्त मुकाबला देती हुई नजर आ रही हैं और ऐसे में दोबारा से दोहराना सत्ता, ये काफी मुश्किल भरा हो सकता है। और इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता आर्येंद्र जुड़ चुके हैं शाहजहांपुर से। आर्येंद्र, जिस तरह से तैयारियां देखने को मिल रही है बीजेपी की, आज नड्डा आ रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं नड्डा के आगमन पर? अगर बात की जाए शाहजहांपुर में, जो है सूचना मिली है कि जेपी नड्डा जो आ रहे हैं शाहजहांपुर में दौरे पर रहेंगे, तो आज जो है उनका आज आना स्थगित कर दिया गया है। अब वो 28 जनवरी के लिए आने को बताए गए हैं क्योंकि आने का आज था उनका प्लान, लेकिन 12 बजे या हेलीपैड से पुलिस लाइन सभागार में आते, लेकिन आज किसी कारणवश वो नहीं आ पाए, यहाँ पर स्थगित कर दिया गया। कल यानी कि 28 जनवरी के लिए उनका 12 बजे जो है शाहजहांपुर दौरा रहेगा और कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के लिए ये डोर टू डोर जनसंपर्क कर उनके लिए वोट मांगेंगे आके, और साथ ही यहाँ पर जो है बैठक भी एक स्थगित की जाएगी। पहले चरण का नजदीक चुनाव है क्योंकि भाजपा के दिग्गज नेता जिस तरीके से जनसंपर्क में उतारे जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा कारण ये इस बार पहली बार इस विधानसभा में देखने को मिला है कि जिस तरीके से इतने इतने बड़े दिग्गज नेता जो है जनसंपर्क, वो भी डोर टू डोर देखने को मिलेंगे और डोर टू डोर जनता से वोट मांगेंगे। जी आर्येंद्र, जिस तरह से नड्डा जनसंपर्क करते हुए नजर आएंगे, डोर टू डोर जाएंगे, तो वो किन जगह पे जा सकते हैं? क्या वो सुधरी हुई बस्तियों में जाएंगे जहां पे सड़कें बनी हुई हैं, लोगों को मकान मिले हैं, जो लाभार्थी हैं जिन्हें सरकार की सुविधाओं का लाभ मिला, क्या उन्हीं जगह पे जाएंगे या फिर जहां पे परेशानियां देखने को मिल रही है वहां पे भी जा सकते हैं नड्डा? देखिए, उनके लिए जगह भी निश्चित की गई है कि सदर बाजार में जगह निश्चित की गई है। सदर बाजार जो है शाहजहांपुर जनपद का एक मोहल्ला है, वहां पर ये डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे। इसके बाद यहाँ इसी के बाद एक बैठक करेंगे शाहजहांपुर में ही गांधी सभागार में, टाउन हॉल में। इसके बाद मतदाताओं के साथ संवाद करने के बाद ये सीधे बताया जा रहा है कि बरेली के लिए निकलेंगे यहाँ से डोर टू जनसंपर्क करने के बाद। हालांकि सदर बाजार तक ही सीमित रहेंगे और कहीं भी जो है डोर टू डोर जनसंपर्क नहीं करेंगे, सिर्फ कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के लिए ये डोर टू डोर जनसंपर्क कर वोट मांगने की अपील करेंगे लोगों से।
जी, तो कितनी अहम है ये सीट, जिस तरह से खुद नड्डा जा रहे हैं डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे, कितनी अहम मानी जा रही है? और बात करें शाजापुर की, तो यहाँ पे बीजेपी का लौटना क्या मुश्किल नजर आ रहा है या फिर आसान है? बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि इस समय जो है बीजेपी का लौटना मुश्किल हो रहा है। कैबिनेट मंत्री जो सुरेश कुमार खन्ना है ददरौल विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी फीके पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से जो बेरोजगारी है, किसानों की समस्या है, गायों को लेकर जिस तरीके से, तो ये कहीं ना कहीं भाजपा के लिए संकट खड़ा कर रही है। और चुनाव में कई ऐसी चीजें देखने को मिल रही है जो पहले समय में नहीं आ रही थी, क्योंकि अगर बात की जाए तो 131 कटरा विधानसभा की, वहां भी इसमें वर्तमान विधायक है जो वीर विक्रम प्रिंस है और दोबारा उनको टिकट दिया गया है, लेकिन वहां भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। ऐसी 31 विधानसभा की है, 35 विधानसभा की, यानी कि सारी विधानसभाएं ऐसी हैं जो बीजेपी के लिए हर समय चुनाव में सवाल खड़े कर रही हैं, और लोग जनसंपर्क के दौरान जो है भीड़ भाड़ करने पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं जिस तरीके से। जी, आर्येंद्र, शाजापुर में सपा का इस वक्त माहौल कैसे देखने को मिल रहा है? क्योंकि जहां कुछ लोग बीजेपी से नाराज नजर आ रहे हैं, वही सपा कांटे की टक्कर दे रही है, तो क्या लगता है सपा किस तरह का माहौल बना पाई है शाजापुर में? देखिए, शाजापुर में अगर विकास के नाम पर अगर माहौल बनाया हो तो सिर्फ शाजापुर में, शाजापुर तक माहौल बनाया जा सकता है, और बनाया है कैबिनेट मंत्री ने। लेकिन अगर बात की जाए क्षेत्रीय की, तो यहाँ के ग्रामीण इलाके ऐसे अंचल हैं जहां पर आज तक विकास का नाम कहीं भी देखने को नहीं मिला, दूर दूर तक विकास नहीं हुआ। यहाँ विकास करवाए गए हैं तो सिर्फ सुलभ शौचालय बनवा दिए गए हैं, और गायों में, गायों के लिए जो है कई गौशालाएं बनवाए गए हैं, लेकिन गौशाला में पर्याप्त गाय नहीं है। समस्या ये आ रही है कि किसानों की खड़ी फसल गेहूं की खा रही है, किसान परेशान है, चिंतित है कि योगी सरकार में जो हमें दिक्कतें हुई है। दूसरी बात, गायों को लेकर मेन समस्या इसी को लेकर कि बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है 2022 विधानसभा चुनाव में, क्योंकि सबसे बड़ी मेन चीज है किसानों की बात की, तो किसानों सबसे समस्या यही रहती गायों को लेकर है, और भी कई सवाल ऐसे हैं जो किसानों को लेकर के, क्योंकि उनको आए दिन मुसीबतें होती है जो पिछले समय में उनको नहीं देखने को मिली, जो इस समय देखने को मिली। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता आर्येंद्र जुड़े थे शाजापुर से। तो शाजापुर का आज का दौरा रद्द कर दिया गया है नड्डा का, ये दौरा कल किया जाएगा, कुछ परेशानियों की वजह से ये कार्यक्रम को टाला गया है आज की जगह, ये कार्यक्रम कल होगा। कल बात करेंगे कार्यकर्ताओं से, हमारे संवाददाता ने ये जानकारी दी है अभी कि चुनाव को लेकर कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ बात करेंगे और साथ ही फीडबैक भी लेंगे तैयारियों का, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे जेपी नड्डा कल। प्रदेश में पत्रकारों के ऊपर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है, एक ऐसा ही मामला सहारनपुर से सामने आया है जहां कुछ कार सवार युवकों ने पत्रकार सुधीर सैनी को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। वहीं अब पत्रकार की हत्या मामले में योगी सरकार ने जिला प्रशासन से मामले की रिपोर्ट मांगी है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि खुद सीएम योगी ने इस मामले में संज्ञान भी लिया है। लगातार पत्रकारों के ऊपर अत्याचार की खबरें सामने आती रही हैं और मारपीट और साथ ही हत्या की खबरें भी सामने आती रहती हैं। एक बार फिर सहारनपुर से ऐसी ही खबर सामने आई है जहां कार सवार कुछ बदमाशों ने पत्रकार को बेरहमी से पीटा और पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। पत्रकार सुधीर सैनी को पीट पीट कर मौत के घाट उतारने की खबर सहारनपुर से सामने आ रही है और पत्रकार की हत्या मामले में योगी सरकार ने जिला प्रशासन से मामले की रिपोर्ट मांगी है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो लगातार ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जहां कोई पत्रकार अगर किसी मुद्दे को उठाता है तो माफिया बदमाश उनकी जान के दुश्मन बन जाते हैं और कई बार ऐसा देखा भी गया है कि मौत के घाट उतार दिया जाता है या फिर जानलेवा हमला कराया जाता है पत्रकारों पे। और एक बार फिर ऐसी ही घटना सहारनपुर से सामने आई है जहां पत्रकार की बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, एक बार फिर ये खबर सामने आई है जहां पे पत्रकार को मौत के घाट उतार दिया गया है, आखिर कब तक चलता रहेगा पत्रकारों पर अत्याचार?
शिखा, अगर बात की जाए तो जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है उसके ऊपर प्रहार का जो करने का जो क्रिया है वो जारी है, और वही इसी कड़ी में आप देख रही हैं कि सहारनपुर में वही सुधीर सैनी नामक एक पत्रकार मामूली सी कहा सुनी के दौरान उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। इन्हीं सब मामलों को देखते हुए वहां का जो प्रशासन है वो पूरा अलर्ट जारी हो गया, अलर्ट मोड में आ गया, और इसी दौरान जो लोगों से, आपको बता दें कि कल सहारनपुर में जो सुधीर नामक पत्रकार हैं वो बाइक से जा रहे थे, इस दौरान उनके सामने ऑल्टो कार से ओवरटेक को लेकर कहा सुनी होती है, और इस कहा सुनी में मामला आगे बढ़ जाता है और उनके ऊपर आत्मघाती हमला होता है जिसमें उनकी उनकी मृत्यु हो जाती है। और आपको बताना चाहेंगे जो आरोपी हैं वो उनके शव को बगल में पड़े जो नाला था वहां डाल देते हैं, वहीं कयास लगाए जा रहे हैं, माना जा रहा है कि पानी में डूबने से भी मौत हो सकती है। वहीं इन सब चीजों को लेकर जो सहारनपुर एसपी हैं वो पूरे अलर्ट मोड में आ जाते हैं, और उनमें से जो बताया जा रहा है कि उस गाड़ी में चार लोग थे, और जो सुधीर सैनी पत्रकार था उसको ईंट और डंडों से पीटा गया, इसके बाद उसके शव को फेंक दिया गया। उस गाड़ी में जो चार लोग थे उसमें से दो लोग को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बताना चाहेंगे कि जहांगीर नामक व्यक्ति और फरमान नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं इस मामले को देखते हुए जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनके तरफ से इस मामले को देख कहा गया कि तय तब जाकर इसकी जांच करें और जो दोषी हैं उन पे कठोरतम कार्रवाई करें। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए एनएसए लगाने की भी बात कही जा रही है। ऐसा कई बार हो चुका है कि जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया है और पत्रकार लोग हैं उनके ऊपर कैसे हमले हो रहे हैं उसका एक नमूना आप सहारनपुर में देख सकती है। जी शिखा, विभांशु, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराधों के प्रति सख्त नजर आते हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं, उसके बाद भी अपराधियों में खौफ नहीं है कानून व्यवस्था का, आरोपियों में भी कोई खौफ नहीं देखने को मिला, बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी गई, तो कहीं ना कहीं कोई कमी देखने को मिल रही है, कहीं डर की कमी है, क्या कहेंगे? जी शिखा, अगर बात करें तो सरकार के द्वारा भयमुक्त उत्तर प्रदेश और अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है। वहीं अगर बात करें तो सरकार की तरफ से दलील दी जा रही है कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर एकदम अपने सुचारू रूप से चल रहा है और अपराधी माफिया माफी मांग रहे हैं और अपराधी प्रदेश छोड़कर जा चुके हैं। तो वहीं इसका नमूना आपने सहारनपुर में देखा कि जहां एक पत्रकार को निर्मम तरीके से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है, और वहीं जो लोग मौजूद थे वो मूक दर्शक बनकर बस खड़े रहते हैं और इस मामले को देखते हैं। और पुलिस की तहकीकात के बाद जो वहां पे प्रत्यक्षदर्शी थे, जो आंखों देखा हाल इन सब चीजों को देखे, उनके द्वारा गाड़ी के नंबर के आधार पर आरोपियों की शिनाख्त की जाती है, और ये काफी शर्मनाक है कि जो लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है, जो जमीन से जुड़े मुद्दे को उठाकर और समस्याओं को निदान लाने के लिए काम करता है, उनके ऊपर ऐसे हमले काफी शर्मनाक है। और इसको देखते हुए जो पत्रकारों का संगठन है उसमें भी काफी आक्रोश है। अगर नई दिल्ली की बात की जाए, चाहे प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात की जाए, तो पत्रकारों में काफी रोष है, और अगर इस मामले की जांच तह तक नहीं की गई और सभी आरोपियों की उनकी सजा नहीं मिलती है उनके अपराध करने के लिए, तो काफी मामला बिगड़ सकता है। शिखा, विभांशी, योगी सरकार ने जिला प्रशासन से मामले की रिपोर्ट मांगी है और साथ ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं, तो क्या जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई होगी, अपराधियों को सजा मिलेगी और एक उदाहरण पेश किया जाएगा, या ये भी सिर्फ आदेश तो दे दिया गया है लेकिन ये मामला बस चलता रहेगा, अपराधी मुक्त घूमते रहेंगे? जी शिखा, अगर बता दे तो अभी माहौल जो है वो चुनावी है और सरकार की तरफ से इसको बहुत ही सक्रियता के साथ इन सब मामलों को देखा जा रहा है। वहीं जो एसपी सहारनपुर हैं उनकी तरफ से बताया गया है कि हम मामले की तह तक जाकर अब सभी आरोपियों को उनके अपराध का लिए सजा दिलाएंगे, और वहीं अब तक दो लोग को गिरफ्तार किया जा चुका है, और वहीं मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश आया है कि मामले की तह तक जाकर जांच करें, और अगर मामला वहीं बताया जा रहा
रहा है कि एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एक्ट के तहत इनको ऊपर एनएसए भी लगाया जा सकता है। तो अब तक पुलिस के द्वारा दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, बात तब बनेगी जो जितने लोग इस अपराध में संलिप्त थे सबको गिरफ्तार कर कठोरतम कार्रवाई की जाए। और वहीं इन सब चीजों को देखते हुए ये मामला राजनीतिक, अभी राजनीतिक माहौल चल रहा है तो काफी तूल पकड़ सकता है। तो जो वहां का जिला प्रशासन है, जो वहां के एसपी हैं, उनको पूरे मामले को तह तक जाकर और आरोपियों को सजा दिलाने में उनके तरफ से पैरवी की जानी चाहिए। और इसको लेकर जो सीएमओ ऑफिस है, सीएम ऑफिस है, वो भी काफी अलर्ट है और पूरे मामले की निगरानी एसपी के साथ कर रही है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विभांशु मणि त्रिपाठी जुड़े थे लखनऊ से। एक्शन मोड में नजर आ रही है सरकार और अपराधियों के ऊपर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दे दिए हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली एनसीआर समेत देश के उत्तर भारत के हिस्से में पिछले कई दिनों से अधिक समय से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसके अलावा सुबह और शाम को होने वाले घने कोहरे से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले दिनों में भी उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत देश के कई इलाकों में अगले 3-4 दिनों तक ठिठुरन जारी रहेगी। साथ ही बंगाल, सिक्किम जैसे राज्यों में आज और कल बारिश हो सकती है। यूपी की राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहां का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहेगा। सुबह और शाम के समय कोहरा छाया रहेगा। तो मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, हालांकि रेड अलर्ट भी जारी है। पूरी जनवरी ठंड से राहत मिलने की बात कही है कि पूरी जनवरी ठंड से राहत नहीं मिलेगी। वहीं कुछ जगह बारिश के भी आसार है और बारिश से ठंड और बढ़ भी सकती है। तो पहाड़ी इलाकों में होने वाली बर्फबारी की वजह से और मैदानी इलाकों में होने वाली बारिश की वजह से लगातार ठंड बढ़ रही है। लोग घरों में रहने को मजबूर हैं, लगातार ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोग घर में हैं और साथ ही साथ काफी परेशानियों का सामना भी कर रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं आप, रोशनी में भी यानी कि दिन के समय में भी लोग लाइट जलाकर चलने को मजबूर हैं। और इतना ही नहीं, जो रफ्तार है वाहनों की वो सुस्त नजर आ रही है, रेंगते हुए नजर आ रहे हैं वाहन सड़कों पर। और इस खबर में मैं सबसे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अजहर जुड़ चुके हैं लखनऊ से। अजहर, लखनऊ की बात करें तो कैसा मौसम देखने को मिल रहा है, सुबह का तापमान कितना रहा? साफ तौर से शिखा, जिस तरीके से जो न्यूनतम तापमान है वो लगातार 7 से 8 डिग्री बना हुआ है बीते 3 दिनों से। और बात करें अधिकतम तापमान की तो लगभग 15-16 ऐसा तापमान दिन का जो रहता है वो तापमान बना हुआ है। और राजधानी लखनऊ की तो बात करें तो अभी फिलहाल जनवरी के लास्ट वीक तक के 30 जनवरी तक के मौसम इसी तरह से बरकरार रहेगा और शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी रहेगा। और वहीं मौसम विभाग की बात, मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग का साफ तौर से ये कहना है कि हो सकता है बारिश के भी आसार बन रहे हैं और हल्की फुल्की बारिश इन 3 दिनों में हो सकती है। खास तौर पर शिखा आपको बता दें, जिस तरीके से जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर लगातार जो बर्फबारी है वो होती जा रही है, जिसकी वजह से जो शीतलहर है उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता जा रहा है। और वहीं जो मैदानी राज्य है वहां पर लगातार बारिश की वजह से काफी ज्यादा ठंडी का जो प्रकोप है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके हों या फिर उत्तर प्रदेश के मध्य इलाके हों, तो वहां पर लगातार ठंडी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में भी मौसम इसी तरह से बरकरार रहेगा और बारिश की भी आशंका जताई है मौसम विभाग ने। जी जी अजहर, अगर बात करें व्यवस्था की तो नगर निगम द्वारा क्या कुछ व्यवस्था देखने को मिल रही है शहरी इलाकों में? जी बिल्कुल, साफ तौर से जिस तरह से शहरी इलाकों में रैन बसेरे की बात करें या चौराहों की बात करें, जिस तरह से नगर निगम द्वारा हर बार अलाव के इंतजाम किए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं इस बार चुनावी माहौल भी है और कहीं ना कहीं व्यस्तता के कारण थोड़ी सी कमी जरूर देखने को मिली है। और जिस तरीके से ठंडी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है तो जिस तरीके से कंबल वितरण हो या अलाव हो
या फिर लकड़ियों के इंतजाम हो, तो कहीं ना कहीं इसमें कमी जरूर देखने को मिली है। जिसके बाद जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो समाज सेवी है, वो भी अब मैदान में उतरते नजर आ रहे हैं और तमाम समाज सेवियों द्वारा लगातार जगह जगह पर कंबल वितरण और लकड़ियों के इंतजाम करते वो नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नगर निगम की थोड़ी सी लापरवाही जरूर सामने आ रही है। जी, अगर बात करें रैन बसेरों की, तो वहाँ कैसी व्यवस्था है? बढ़ती ठंड के साथ क्या इनकी संख्या में कुछ बढ़ोतरी की गई है अजहर? जी बिल्कुल, साफ तौर से कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो व्यवस्था है उसमें कमी जरूर है, क्योंकि रैन बसेरों में इंतजाम को लेकर जो शहरी इलाके हैं वहां पर कुछ जगहों पे तो ऐसा है, लेकिन जो आउट एरियाज हैं वहां पर थोड़ी सी कमी जरूर देखने को मिली है। और जिस तरीके से रैन बसेरों की व्यवस्थाओं को लेकर जिस तरह से कंबल और तमाम तरह की जो चीजें होती है उसमें जरूर कमी मिली है। और जो खास तौर पर अगर बात करें जो शहरी इलाके हैं, जो मेन शहरी इलाके हैं, वहां पर तो थोड़ी सी व्यवस्था जरूर है, लेकिन जो आउटर एरिया है थोड़े से वहां पर थोड़ी सी कमी जरूर देखने को मिली है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता अजहर खान जुड़े थे लखनऊ से। तो ठंड लगातार परेशान कर रही है लोगों को और ठंड का जो पारा है वो लगातार लुढ़कता जा रहा है। अगर बात करें न्यूनतम तापमान 8 डिग्री और अधिकतम तापमान 17 से 18 डिग्री रहने की बात कही गई है। सुबह और शाम में काफी ठंड देखने को मिल रही है, कोहरा लोगों को काफी परेशान कर रहा है। इसकी वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दिल्ली और नोएडा आसपास के इलाकों में भी काफी ठंड देखने को मिल रही है। पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जहां सैलानियों के लिए ये एक अच्छा अवसर है घूमने का, तो वहीं लोग काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। पहाड़ी इलाकों से कुछ जगह ऐसी भी है जहां पे पानी तक जमने की खबर सामने आई है और मैदानी इलाकों में इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। कड़ाके की ठंड की वजह से बर्फीली हवाएं मैदानी इलाकों में जनजीवन को अस्त व्यस्त करती नजर आ रही हैं। चुनावी माहौल है, ऐसे में व्यवस्था दुरुस्त करने की कोशिश तो लगातार कर ही रही है सभी राज्यों में सरकार, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा देख रहे हैं कि अलाव की व्यवस्था में कुछ कमी आ रही है। हालांकि शहरी क्षेत्रों में ये व्यवस्था थोड़ी बेहतर है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहां पे इसमें काफी कमियां, काफी लापरवाही देखने को मिल रही। तस्वीरें देख सकते हैं आप, घने कोहरे के बीच लोग घर से निकलने को मजबूर है, जिन्हें मजबूरी वश घर से बाहर निकलना पड़ रहा है घने कोहरे में भी, तो वो काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं आप कि रोशनी है उसके बावजूद इतना घना कोहरा है कि लाइट जला के चलने को मजबूर है लोग। वाहनों की लाइट जल रही है, रेंगते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि विजिबिलिटी काफी कम हो गई है कोहरे की वजह से। तो यूपी में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और अगर बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करके रखी है और काफी परेशानियों का सामना अभी भी लोग कर रहे हैं। वहीं आने वाले दिनों में भी ठंड के और बढ़ने के आसार हैं। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं है। मौसम विभाग ने बताया है कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत देश के कई इलाकों में अगले 3-4 दिनों तक ठिठुरन जारी रहेगी, यानी पूरी जनवरी ठंड जारी रहेगी। साथ ही बंगाल, सिक्किम जैसे राज्यों में आज और कल बारिश हो सकती है। यूपी की राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहां का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहेगा। सुबह और शाम के समय कोहरा छाया रहेगा, बर्फीली हवाओं से लोग परेशान रहेंगे। तो खुद को बचाने के लिए लोग अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं। वहीं नगर निगम द्वारा भी लकड़ी मुहैया कराई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है हर चौराहे पे। जैसे बात कही जाती है नगर निगम द्वारा कि हर चौराहे पे लकड़ियों की अलाव की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। हमारे संवाददाता लगातार जमीनी स्तर पर इस चीज की जांच कर रहे हैं कि क्या सही से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। शहरी क्षेत्रों में तो फिर भी काम होता दिख रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में काफी लापरवाही देखने को मिल रही है। लोग खुद ही व्यवस्था करते हुए नजर आ रहे हैं और खुद को ठंड से बचाने के लिए आग का सहारा ले रहे हैं। तो वहीं कंबल वितरण की बात अगर करें तो उसमें भी कुछ ना कुछ कमी देखने को मिल रही है। हालांकि चुनावी माहौल है और ऐसे में कंबल वितरण जैसी चीजें काफी देखने को मिलती है, आचार संहिता भी लागू है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी कुछ कमी देखने को मिल रही है। लेकिन जो संस्थान है, सेवा करने वाले संस्थान है, वो कुछ ना कुछ अपना योगदान देते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर बात करें आम जनजीवन की, तो ठंड की वजह से लोग घर में कैद हैं, कैद रहने को मजबूर है, जिसकी वजह से लोग घर से बाहर कम निकल रहे हैं। बाजारों में भी काफी सन्नाटा देखने को मिल रहा है।
और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अमरदीप जुड़ चुके हैं फतेहपुर से। अमरदीप, फतेहपुर में ठंड का कहर देखने को मिल रहा है, क्या कुछ नजारा है ठंड में? देखिए, ऐसा है कि फतेहपुर जनपद में जो इस समय ठंड का बचने के लिए मजबूर है। और अगर बात की जाए कि ये ठंड का प्रकोप कब तक जारी रहेगा, तो मौसम विभाग भी कोई भी ऐसी सटीक वाणी नहीं कर पा रहा है जिससे कि आखिरकार कब आम जनजीवन को राहत मिल पाएगी। पर हाँ, इतना जरूर है कि दो दिन से लगातार धूप निकल तो रही है, पर धूप में गलन का जो एहसास हो रहा है उसके चलते लोग घरों से कम निकल पा रहे हैं। और निकल वही लोग रहे हैं जो सर्विस कर रहे हैं या जो जो जिनको बहुत सामान की जरूरत है, वही लोग निकल करके मार्केट पे आ रहे हैं। पर अगर देखा जाए कि इस ठंड के प्रकोप से बचने के लिए लोग कई तरह के उपाय भी कर रहे हैं, पर ठंड से कोई भी राहत अभी मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे। जी अमरदीप जी, अगर बात करें तापमान की, तो कितना तापमान देखने को मिल रहा है फतेहपुर में? देखिए, आज की अगर हम तापमान की बात करें तो आज का तापमान लगभग इस समय जो है 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। पर जो गलन है, गलन से लोग जो है बाहर निकलने के लिए बुरी तरीके से अपने आप को बचाए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ओमिक्रॉन जैसी खतरनाक बीमारी से भी लोगों के अंदर जो जागरूकता आई है उससे भी लोग बचने का प्रयास कर रहे हैं। जी, अगर बात करें नगर निगम की व्यवस्था की, तो ठंड बढ़ रही है, तो क्या व्यवस्थाओं में कुछ सुधार आया है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है कि इसके पहले प्राइम टीवी ने खबर चलाई थी कि नगर निगम हो या नगर पंचायत हो, वहाँ पर जो है जो अलाव की व्यवस्था की गई है, तो उस पर बराबर फतेहपुर जिला अधिकारी लगातार नजर बनाए हुए हैं। पर अगर हम ग्राम पंचायतों की बात करें तो ग्राम पंचायतों में कहीं भी कोई भी ऐसा जो है देखने को नहीं मिल रहा है जहाँ पर कि अलाव जल रहे हों और लोग आग से बचने, आग ताप करके अपने को बचाने का प्रयास कर रहे हो। जी कंबल वितरण की क्या हाल देखने को मिल रही है? कंबल वितरण कराया गया है गरीबों को, बेसहारा लोगों को? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। तो आचार संहिता लगी हुई है और आचार संहिता के दौरान अगर कोई प्रत्याशी कंबल बांटता है तो जरूर वो आचार संहिता उल्लंघन के दायरे पे आ जाएगा। पर हाँ, इतना जरूर है कि फतेहपुर जनपद में कई जो है प्राइवेट संस्थाओं ने कंबल बांट करके लोगों की गर्मी को जो है लोगों की ठंड को बचाने के लिए पूरी तरीके से प्रयासरत हैं और किए भी ऐसे कार्यक्रम किए भी जा रहे हैं। जी तो कोरोना काल भी है और ऐसे में ये भी देखने को मिला था कई जगह से कि रैन बसेरों में लोगों की क्षमता से ज्यादा लोग रह रहे थे, तो क्या बढ़ती ठंड के साथ और रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है? देखिए, ऐसा है कि फतेहपुर, देखिए अगर देहात जिलों के बाद देहात की बात करें तो देहात में रैन बसेरों की स्थिति बिल्कुल जो है नगण्य है। पर अगर हाँ हम फतेहपुर प्रॉपर जिले की बात करें तो वहाँ पर जो है रैन बसेरों की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। और रही बात ये कि जो कहा जा रहा है कि रैन बसेरों में यात्री बढ़ रहे हैं, तो अभी तक तो कुछ ऐसा देखने सुनने को नहीं मिल पा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अमरदीप जुड़े थे फतेहपुर से। तो लगातार पारा गिरता हुआ नजर आ रहा है और जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। और बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की, तो वहां पे काफी कमी देखने को मिल रही है। ठंड तो ज्यादा है लेकिन ठंड की वजह से लोग परेशान हैं और जो व्यवस्थाएं होती अलाव की व्यवस्था, कंबल वितरण की व्यवस्था या फिर रैन बसेरों की व्यवस्था, वो कुछ कमी देखने को मिल रही है उनमें और ठंड से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। अगर सड़कों पर देखें तो लोगों की गाड़ी रेंगती हुई नजर आ रही है, जिस तरह से भीड़ देखने को मिलती थी सड़कों पे और भीड़ के साथ साथ गाड़ियां तेजी से चलती दिखती थी, तो उसमें भी कमी देखने को मिल रही है। और रोशनी में भी लोग लाइट जलाने को मजबूर है, लाइट जला के ही चल रहे हैं ताकि दुर्घटनाओं से बच सके। रफ्तार भी धीमी है ताकि दुर्घटनाओं को टाला जा सके। तो घना कोहरा देखने को मिल रहा है, विजिबिलिटी काफी कम देखने को मिल रही है। कुछ तो ऐसी जगह है जहाँ पे सूर्य देवता के दर्शन भी नहीं हो रहे हैं और अगर सूर्य निकलता है, धूप निकलती है, तो शाम में गलन और बढ़ जाती है और कोहरा और बढ़ जाता है। और इस खबर पे अब हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता ममता जुड़ चुकी है आगरा से और आगरा के हाल हम जानेंगे। ममता, आगरा में कैसी ठंड देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल शिखा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आगरा की अगर हम बात करें मौसम की, तो आगरा में कल तक घना कोहरा छाया हुआ था इस समय तक, लेकिन आज अगर हम बात करें आज की, तो आज आगरा के अंदर अभी फिलहाल में धूप है, लेकिन जो न्यूनतम तापमान था वो 9 डिग्री से लेकर के और 13 डिग्री तक है रहता है यहाँ।
तो इस तरह से देखा जा रहा है कि सर्दी आगरा में भी काफी अच्छी तेज सर्दी हो रही है, जिससे कि लोग घरों में रहने के लिए मजबूर हैं। जी कोहरे की, तो कोहरा क्या आगरा में काफी परेशानियों का सबब बनता नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरह कोहरे की अगर बात करें तो अभी धूप खुली हुई है, आज की बात करें आज धूप खुली है, लेकिन कल काफी घना कोहरा था इतने समय तक, लेकिन और सुबह और शाम की बात करें तो वही शाम ढलते ही कोहरा अपने आगोश में पूरे शहर को, पूरे क्षेत्र को और सड़कों को ले लेता है। जिस तरह के जो लाइटें हैं, जो रोडों पे गाड़ियां हैं वो लाइटें जलाकर चलती हैं, तो इस तरह कोहरा का भी पूरा प्रकोप रहता है यहाँ सुबह शाम सर्दी से। जी कोहरे की वजह से कोई दुर्घटना की खबर भी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, पिछले दो दिनों पहले भी एक घने कोहरे के चलते एक दुर्घटना हो गई थी, जो कि गाड़ी एक डिवाइडर पर चढ़ गई थी, जिससे कि गाड़ी में शॉर्ट सर्किट होने के बाद में आग भी लगी थी। तो देखा जा रहा है साफ तौर से कोहरे की वजह से, घने कोहरे की को देखते हुए दुर्घटनाओं के भी जो लोग हैं तो शिकार हो रहे हैं। जी जी, बाजारों को कैसा माहौल देखने को मिल रहा है, क्या ठंड की वजह से और दूसरा कोरोना भी है, तो क्या उस वजह से लोग घर से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं? जी बिल्कुल, घर की अगर बाजारों की अगर हम बात करें तो बाजारों में साफ तौर से बहुत कम मात्रा में लोग, जो बहुत ही ज्यादा जरूरत की जो चीजों को लेने के लिए, जो दैनिक जीवन की जो चीजें हैं उनको लग रहे हैं, जैसे मेडिसिन से संबंधित ही लोग कोल्ड से बहुत परेशान है, तो मेडिसिन से संबंधित लोग मेडिसिन लेने के लिए भले ही बाहर निकलते हैं, या सब्जी या दूध या इससे ज्यादा नहीं, लोग बहुत कम बाजारों में भीड़ देखी जा रही है। और दूसरा कोरोना को भी प्रकोप को देखते हुए, जो कोल्ड चल रहा है उसको लेके देखते हुए भी लोग बाजारों में कम मात्रा में दिखाई दे रहे हैं। जी जी, अगर बात करें नगर निगम द्वारा की गई व्यवस्थाओं की, तो वो व्यवस्थाएं कैसे देखने को मिल रही है, वो चाहे रैन बसेरों या फिर अलाव की व्यवस्था, क्या लकड़ियां मुहैया कराई जा रही है जिस तरह का दावा कर रही है नगर निगम? बिल्कुल, जिस तरह मैंने आपको पिछली बार भी बताया कि जिस तरह अगर नगर निगम की बात करें तो अलाव यहाँ पहले तो ताजमहल की वजह से बहुत कम मात्रा में, बहुत दूर क्षेत्रों में एकाधिक फॉर्मेलिटी के आधार पर नगर निगम इस तरह की व्यवस्था कराता है, वरना अलाव की व्यवस्था देखने को देहात क्षेत्र में मिल सकती है, शहर में बिल्कुल भी अलाव की व्यवस्था नहीं देखी जा रही है। और बात करें रैन बसेरे की, तो रैन बसेरे भी बहुत कम जगहों पर है, जहां लोग उन रैन बसेरों में कोई खासी व्यवस्था नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता ममता जुड़ी थी आगरा से। तो तापमान लुढ़कता जा रहा है और जैसे जैसे तापमान नीचे आ रहा है लोगों की परेशानियां भी बढ़ रही हैं। हालांकि धूप निकलने की वजह से तापमान में कुछ बदलाव तो आता है, लेकिन धूप के बाद कोहरा और ठंड और बढ़ जाती है, जिसकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी देखने को मिल रही है, सैलानियों के लिए खुशखबरी है, जो भी पर्यटक है घूमने जाना चाहते हैं तो उनके लिए तो खुशखबरी है, लेकिन मैदानी इलाकों में इसका काफी असर देखने को मिल रहा है। मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं, सर्द हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं और जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है, पारा लगातार गिरता जा रहा है। कुछ जगह से खबरें भी सामने आ रही कि घने कोहरे की वजह से हादसों की जो खबरें सामने आती रहती हैं वो भी देखने को मिल रही है, और वहीं कुछ जागरूक लोग हैं जो कि धीरे गाड़ी चला रहे हैं, लाइट जलाकर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसे हादसों की खबरें भी आती रहती है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सुबह और शाम में काफी कोहरा रहता है, काफी ठंड रहती है, दिन में हालांकि मौसम थोड़ा ठीक होता है। और इस खबर पे अब हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी हमारे अभिषेक जुड़ चुके हैं लखनऊ से। अभिषेक, लखनऊ में आज पारा कितना दर्ज किया गया? जी शिखा, आपको बता दें कि ठंड का कहर लगातार जारी है और आज लखनऊ का अधिकतम तापमान जो था वो 17 डिग्री दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो वो 8 डिग्री था। इस वक्त मैं गोमती नगर इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पे जो तापमान अभी का है वो है 11 डिग्री, और अभी सुबह से पहली धूप की किरण निकलना शुरू हो रही है, और ये बीते 2 से 3 दिनों में ये चंद कुछ घंटे ऐसे हैं जहाँ पे हमें सूर्यदेव के दर्शन मिल रहे हैं। जी, तो जिस तरह से कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है, राजधानी लखनऊ में क्या हाल है? जी शिखा, देखिए सुबह के वक्त यहाँ पे काफी धुंध और कोहरा रहता है, जिसके चलते सुबह
लोगों का आवागमन काफ़ी कम देखने को मिलता है, वहीं शाम के वक्त गलन काफ़ी बढ़ जाती है, जिसके चलते जो मार्केट है उनमें लोगों की भीड़ काफ़ी कम है। और इसी के साथ जो कोहरे का जो कोहरा जो सुबह रहता है उसके चलते लोग अपने घरों में रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं इस वक्त। वहीं अगर प्रशासन की तरफ से जो बंदोबस्त किए गए हैं तो वो ये हैं कि कई सारे रैन बसेरे हैं जहां पे अलाव की व्यवस्था की गई है, पर हमारे सूत्रों से ये पता चलता है कि जो ग्रामीण इलाके हैं उनकी तरफ कुछ खास ध्यान नहीं दिया जा रहा है और वहां पे ऐसी व्यवस्था कम देखने को मिल रही है प्रशासन की ओर से। जबकि अगर शहरों की बात करें तो वहाँ पे अलाव और रैन बसेरे इनका काफ़ी बंदोबस्त किए गए हैं। तकरीबन हर चौराहे पे जो गरीब लोग हैं जिनके पास खुद के घर नहीं हैं उनके लिए रैन बसेरों का प्रबंध किया है प्रशासन ने। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ सहयोगी अभिषेक जुड़े थे। तो ठंड का कहर देखने को मिल रहा है, वहीं दो तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक शहरी क्षेत्रों से एक ग्रामीण क्षेत्रों से। जहां ग्रामीण क्षेत्रों में कम व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं, वहीं शहरी क्षेत्रों में कुछ व्यवस्था देखने को मिल रही है। और इस वक्त ठंड लगातार अपना कहर बरपा रही है और मौसम लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल खबरों में इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।